जय माता दी। माता के नवरात्रे और प्रसिद्ध खंडपीठ पंचकुला के अंदर स्थित माता मनसा देवी के मंदिर पर हम मौजूद हैं, प्रवेश द्वार पर मौजूद हैं। आपको दिखाएंगे कि यहाँ सुरक्षा के कैसे प्रबंध हैं, आप देखिए। मैं कैमरामैन से संजय से कहूँगा कि दिखाने की कोशिश करें। माता के नवरात्रों पर पूरे उत्तर भारत तथा पूरे देश विदेश से यहाँ पर पर्यटकों का आना जाना चलता रहता है। यहाँ पर अश्विन तथा चैत्र दोनों नवरात्रों में माता के भगत दूर दराज से आते हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर जिस प्रकार की इस समय व्यवस्था है, और पूरे बैरिकेड्स लगाए गए हैं, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था है, यहाँ पर हर तरह से कहा जाए कानून व्यवस्था पुलिस और प्रशासन के लिए निस्संदेह। ऐसे बड़े उत्सवों पर जब नवरात्रि हों तो धार्मिक स्थानों पर चुनौती रहती है, लेकिन पुलिस के यहाँ व्यापक प्रबंध देखे जा रहे हैं। और आप देखिए कि जो ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ पर भी पूर्णतः सुरक्षा के जवान तैनात हैं। और क्योंकि नवरात्रों की शुरुआत है, आज पहला नवरात्रा है, और इस अवसर पर जहाँ यहाँ भारी भीड़ माता के दरबार में जुट रही है, वहीं जैसी कि जानकारी है कि अतीत में भी होता रहा है कि यहाँ VVIP लोग भी माथा टेकने के लिए माता के दरबार में अक्सर आते रहते हैं। और आप देखिए कि माता के नवरात्रों को लेकर जिस प्रकार से यहाँ पर प्रशासन, पुलिस और सारे सजगता देखी जा रही है, कड़े प्रबंध किए गए हैं। ये आम लोगों की सुरक्षा के लिए हैं, आम लोग सुरक्षित रहें, आम लोगों को कोई परेशानी ना हो। CCTV कैमराज यहाँ लगाए गए हैं ताकि कोई के चोर उचक्का किसी के साथ कोई जेब ना काट सके, कोई और घटना ना कर सके। माता श्राइन बोर्ड बना हुआ है यहाँ पर, जो माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड है, उसकी कल मीटिंग भी ली गई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उसकी मीटिंग ली थी, यहाँ के विधायक हैं, स्पीकर हैं ज्ञानचंद गुप्ता, वो भी उसमें मौजूद रहे। कुल मिलाकर अगर ये कहा जाए तो लाखों लोग यहाँ श्रद्धालु के रूप में नतमस्तक होने के लिए आते हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।